तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज मींस क्लाइंट सर्वर और डोमेन, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे हम डिजाइन करेंगे पूरा सिनेरियो मैं एक एक करके बताता हूँ। तो हमारा जो एजेंडा होना है, क्या हम करने वाले हैं, एक सर्वर हम ले रहे हैं और क्लाइंट हम एक या दो ले लें, पूरा हम जो लैब हम करेंगे इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये है विंडो सर्वर, विन 2019 सर्वर है और यहाँ पे आईपी हम दे रहे हैं 172.16.0.1 एंड डीएनएस मैं दूंगा 172.16.0.1, सेम डीएनएस रहेगा। और जो हमारा क्लाइंट पीसी रहेगा मैं फिलहाल दो क्लाइंट पीसी लूंगा, लेकिन आप जब लैब करिए आप एक ही कंप्यूटर लीजिए, क्योंकि तो आपके पास मेमोरी कम रहेगी तो तीन कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाएगा, तो एक क्लाइंट एक सर्वर लेके प्रैक्टिकल करना है। हमारे केस में हमारे पास रैम ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, तो हमें दो या तीन यहाँ पे क्लाइंट ज्वाइन करके ट्रायल कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, एक करें या दो करें। यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ क्लाइंट PC1। दिस इज क्लाइंट PC1 एंड दिस इज क्लाइंट PC2। होता क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेस, यहां पे मैं लिख देता हूं एक्टिव डायरेक्टरी लैब, एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होती है। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो ये कंप्यूटर हमारा डोमेन कंट्रोलर हो जाता है और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट होती है, और वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम कंप्यूटर क्रिएट कर सकते हैं, यूजर क्रिएट कर सकते हैं, डोमेन कंट्रोलर, वो सभी जैसे ये हमारे क्लाइंट पीसी जैसे ज्वाइन करेंगे उसी डेटाबेस में स्टोर हो जाती है, यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट हो जाता है। तो ये सारी चीजें वहीं पे स्टोर हो जाती है। जैसे मान लो एक कंप्यूटर हमने ज्वाइन किया डोमेन को, जैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा, इसको जैसे ज्वाइन करेंगे इसका नाम आ जाएगा, ये कंप्यूटर के लिस्ट में आ जाता है। एक्चुअली इनको हम एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट, एडी ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, जहां पे क्या क्या होते हैं, डोमेन कंट्रोलर, कंप्यूटर्स, यूजर्स और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। हमें ये बेसिकली स्टार्टिंग में तीन की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने तीन लिखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, ये क्यों चाहिए हमें ये डेटाबेस, ये जानना है। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने का एजेंडा क्या है हमारा, क्यों हमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है, क्यों माइक्रोसॉफ्ट ने ये फीचर दिया इसके अंदर सर्वर के अंदर, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है वर्क ग्रुप कंप्यूटर में, सारे कंप्यूटर के पास अपना यूजर पासवर्ड खुद का रहता है, लॉग इन करते हैं, बट वहां पे कोई सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग नहीं रहती है, इसीलिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आया। और यहाँ पे सारा यूजर पासवर्ड सब कुछ कहाँ पे है, सर्वर में स्टोर है, यहाँ पे इस डेटाबेस में, एक्टिव डायरेक्टरी में। तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है जब चाहेगा जिस यूजर को चाहेगा रीसेट कर सकता है, पूरे क्लाइंट एनवायरनमेंट की कंट्रोलिंग रहेगी यहाँ से। इसीलिए एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बोलते हैं, एक जगह से बैठ के हम पूरे एनवायरनमेंट की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अब उसकी कुछ कंडीशन होते हैं किसकी ये कंट्रोलिंग कर सकता है, जितने मान लीजिए अभी दो कंप्यूटर है यहाँ पे, एक कंप्यूटर और इसी नेटवर्क में है, बट इस कंप्यूटर को हमने ज्वाइन नहीं किया डोमेन से, ये डोमेन से ज्वाइन नहीं है, तो क्या ये
एक्टिव डायरेक्टरी से इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं? जी नहीं, हम इसकी कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। जो भी इसका पार्ट रहेगा उसी की कंट्रोलिंग हम कर सकते हैं, ये चीजें ध्यान में रखना है। तो ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, हमें सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद जितने क्लाइंट पीसी आपके पास हो वो सभी क्लाइंट पीसी को आपको ज्वाइन करना होता डोमेन। एक बार जब ज्वाइन हो जाता तो ये एक एनवायरनमेंट बन जाता हमारा, डोमेन एनवायरनमेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये सपोज करो यहाँ पे हमने डोमेन जो नाम दिया है, डोमेन हमने नाम दे दिया learning.com, कुछ भी डोमेन का नाम दे सकते हैं फिलहाल सीखने के लिए, बट कंपनी में जब जाएंगे तो वहां पे जो कंपनी का डोमेन रहेगा वही देना रहेगा। चलो learning.com यहाँ पे डोमेन हमारा है, ये नाम दे दिए। अब ये जितने क्लाइंट पीसी है जब इस डोमेन के अंडर में आएंगे तभी इनकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सर्वर है और क्लाइंट है, हम क्या करेंगे इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे और क्लाइंट पीसी को हम ज्वाइन करके देखते हैं। तो इतना लैब करने के बाद फिर मैं आके यहाँ दिखाऊंगा कि क्या है आगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सर्वर को तो हमारे पास देखिए एक सर्वर है यहाँ पे विंडोज सर्वर 2019, एक क्लाइंट है पीसी वन, एक और ले लेता हूं मैं, दो दो ले लूंगा मैं। अगर आपके पास एक ही क्लाइंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक ही को करिए। ठीक है, एक सर्वर और एक क्लाइंट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जरूरी नहीं दो या तीन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर है, जल्दी से मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम लोग। इसकी आईपी चेक कर लेते हैं एक बार, हमने आईपी ठीक दे रखा है शायद, यस नो, इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये आईपी हमने दे दिया है और मैं अब इसमें एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करूंगा। मैनेज में जाना है, ऐड रोल एंड फीचर्स में जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एक बार और नेक्स्ट पे। ये हमारा रोल है, हमें क्या इंस्टॉल करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करना है। ऐड फीचर करेंगे, नेक्स्ट 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 एंड यहां पे इंस्टॉल कर देंगे इनको। ये एक्टिविटी इंस्टॉल हो गया है। जब एक्टिविटी इंस्टॉल होगा ना, जब भी कोई सर्विसेस हम सर्वर में इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है, येलो मतलब क्या, कुछ पेंडिंग इंफॉर्मेशन, इस सब कार्य क्लियर हो चुका है आपका। चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, क्या दे रहा है, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, जस्ट क्लिक ऑन इट और यहाँ पे हमें थर्ड ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है क्योंकि हम नया डोमेन क्रिएट करने जा रहे हैं, न्यू फॉरेस्ट, राइट। जस्ट क्लिक एंड टाइप कर दीजिए, मैं अपने डोमेन का नाम देता हूं learning.com, learning.com एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे पासवर्ड देना होता है, एक्चुअली ये पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड नहीं है, ये पासवर्ड जब हम कभी बैकअप लेते हैं सर्वर का ना, DSRM पासवर्ड, इसका नाम होता है डायरेक्टरी सर्विस रीस्टोर मोड या रिपेयर मोड बोलते हैं DSRM पासवर्ड। तो बस अभी कुछ ज्यादा नहीं समझना इसके बारे में, बस यहाँ पे एक पासवर्ड दे दीजिए, कोई भी एक पासवर्ड दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो लॉगिन पासवर्ड वही।
दूसरा पासवर्ड भी दे सकते हैं, बट बेटर है वही पासवर्ड आप दिया करिए। मैं यहाँ पे दे देता हूँ admin@123। और यहां पे मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे जल्दी जल्दी क्लिक नहीं करना रहेगा, वेट करना रहेगा। कभी भी जवाब करो, कभी कभी ये टाइम लगता है, टाइम ज्यादा ले सकता है। हाँ, वेट करना है। जब ये इनेबल हो जाता है तभी हमें क्लिक करना है, हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक किया। ये डेटाबेस होता है हमारा सर्वर का, यहीं पे ये सारा मैंने क्या बोला, यूजर्स ग्रुप्स कंप्यूटर जो भी हैं सब इसी डेटाबेस में स्टोर होता है। कहाँ लोकेशन क्या है, सी ड्राइव विंडोज और उसके अंदर एक NTDS की फोल्डर बन जाती है, ये डेटाबेस है। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ऑटोमेटिक यहाँ जाके स्टोर होती है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये सरकार है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ प्री रिक्विजिट चेक करेगा, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो एरो यहाँ पे एरर मैसेज दे देगा आपको। तो एवरीथिंग फाइन सक्सेसफुली। तो हम क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है, सॉरी इंस्टॉल कर देना है इनको, दैट्स ऑल। अब ये इंस्टॉल होगा उसके बाद हमारा कंप्यूटर रीबूट हो जाएगा, देन इट विल लॉग इन डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमारा सर्वर ये रेडी हो जाएगा। अब ये सर्वर क्या हो गया, डोमेन कंट्रोलर हो गया, मतलब एक्टिविटीज में इंस्टॉल हो गया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करना होता है, यहां पेशेंस रखना है। यहां पे कहीं भी अगर हम क्लिक इधर उधर करेंगे तो ये सिस्टम हैंग हो जाएगा, तो इसलिए हमें वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, हमें वेट करना रहता है। देखिए हो गया, ये रीस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये रीस्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी, इसीलिए जब आप VMware में प्रैक्टिस करो, ज्यादा दिन तक मशीन मतलब अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना ऐसे नहीं, बल्कि क्या होता है एक दो बार आप क्रिएट करिए, अनइंस्टॉल करिए, फिर नया मशीन बना लीजिए, नया वर्चुअल मशीन बना लीजिए, सबसे बेस्ट होता है, तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तब तक ये हो रहा है हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लाइंट पीसी पे आ जाते हैं, वहां पे आईपी डाल देते हैं या चेक कर लेते हैं क्या आईपी है फिलहाल। तो आईपी ऑलरेडी है, ठीक ठाक है, 172.16.0.5 दे रखे हैं, और यहाँ पे यस ठीक है। अभी चल रहा है, तब तक तो पीसी टू को भी देख लेते हैं, हम दो कंप्यूटर ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आईपी इसको कुछ और नाम दे देते हैं, और इसको 9 दे देते हैं हम, सिंपली कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कि कॉन्फ्लिक्शन से बचने के लिए हम ये करते हैं। DNS का IP वही रहेगा,
अभी तक चल रहा है हमारा डोमेन, देखिए एक्चुअली ये कई मशीन कई बार हमने इसमें इंस्टॉल किया अनइंस्टॉल किया ना, इसलिए अभी ये स्लो हो गई है। अब इनको डिलीट करके नया मशीन बनाएंगे सर्वर का, तब वो थोड़ा फास्ट काम करेगा। ओके, तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे, हमने अभी क्या किया, learning.com दिया, एक्टिव डायरेक्टरी हमारा इंस्टॉल हो गया, अब लॉगिन प्रोसेस चल रहा है, मतलब एंडिंग में चल रहा है, इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना रहेगा, अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये क्लाइंट पीसी को ज्वाइन करना रहेगा डोमेन में। ठीक है, तो दो पीसी हमने रखा है यहाँ पे, इसका आईपी हमने दे रखा है। अच्छा, इसका आईपी फिलहाल ये हमने एक दिया, इसका आईपी हमने दे रखा है 172.16.0.5 दे रखा है, और डीएनएस इसका 172.16.0.1, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे मैंने 2 क्यों नहीं दिया, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आईपी, इसलिए कोई भी आईपी दे दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, उसी रेंज का होना चाहिए। चलिए इसमें मैंने 9 दे रखा है शायद 172, बट डीएनएस याद रहे, डीएनएस हमेशा वही रहेगा क्योंकि हमारा डोमेन तो एक ही है ना, learning.com। अब क्वेश्चन यहाँ पे, क्या एक क्लाइंट और पीसी आ जाए तो, क्या एक क्लाइंट पीसी और आ गया तो नो प्रॉब्लम, अगर एक क्लाइंट पीसी और आ गया तो फिर इसका भी आईपी आप दे दीजिए, इसका आईपी कुछ दे दीजिए 172.16.0.11 दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए, और इसका डीएनएस क्या रहेगा, डीएनएस हमेशा वही रहेगा, एक ही रहेगा, ये ध्यान देना। ठीक है, हमारा आ गया सर्वर, आ हो चुका है, अब यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं इनको। ये देखिए learning/administrator मतलब डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है, इनको लॉगिन करते हैं। यस, नाउ आवर सर्वर इज रेडी। तो अब इसको हम देख लेते हैं एक बार, यहां से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, शॉर्टकट ओपन करने के लिए आपने क्या करना, रन में जाना है, टाइप करना DSA.msc, DSA.msc, एक्टिव डायरेक्टरी ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। या तो कहां जाना है, टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, तो देखिए एक्टिव डायरेक्टरी ओपन हो गया, और यहां पे learning.com, दिस इज आवर डोमेन, और ये इसके ऑब्जेक्ट हैं, क्या क्या है, कंप्यूटर, अभी देखिए ब्लैंक है, कोई भी कंप्यूटर ज्वाइन नहीं है, ये डोमेन कंट्रोलर, एक डोमेन कंट्रोलर जो हमने इंस्टॉल किया है, ये सब कुछ वैसे सेटिंग है, कोई कोई मतलब नहीं है। हमें जो यूजर क्रिएट करना होता है, हमें या तो यहाँ पे क्रिएट करना होता है, या तो फिर हम अपना नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बारे में बता दूं, यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, OU जिसे बोलते हैं, तो यहां पे भी हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये क्लाइंट पीसी ज्वाइन नहीं, तो पहले ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। चलो इस पीसी को ज्वाइन करते हैं, पिंग करके देख लिया जाए अगर कम्युनिकेशन हो रहा है। CMD ping 172, यस हो रहा है, तो कम्युनिकेट करके दे पिंग करता करा ज्वाइन करा देते हैं। ध्यान रहे, फिर से मैं दिखा रहा हूं, अभी यहाँ कंप्यूटर लिस्ट में कोई भी कंप्यूटर नहीं है, जैसे ज्वाइन करूंगा यहाँ पे आ जाएगा, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। ये कंप्यूटर लिस्ट में क्या होता है, हमें यूजर नहीं क्रिएट करना होता है, यहाँ जाके न्यू में यूजर हम बना लें, ये चीजें नहीं करनी है हमें,
यहाँ पे हमें कुछ नहीं क्रिएट करना होता है। कंप्यूटर में जितने क्लाइंट पीसी हम ज्वाइन करेंगे उनकी लिस्ट यहाँ जाती है। आप यहाँ सर्वर पे बैठ के ये देख सकते कि कितने कंप्यूटर इसमें ज्वाइन है ना। 1,000 कंप्यूटर अगर इस डोमेन का पार्ट है तो वो सारे का लिस्ट यहाँ पे रहेगा पूरा। तो यहाँ पे आना है और ज्वाइन करने के लिए क्या, sysdm.cpl यहाँ पे आइए, चेंज डोमेन नेम यहाँ दे देंगे, ये क्लाइंट PC1 लिखा हुआ है और डोमेन का नाम क्या है, learning.com। इसका क्रेडेंशियल हम दे देंगे एडमिनिस्ट्रेटर, एंड पासवर्ड। एक बात और, जब हम क्लाइंट पीसी पे ज्वाइन कर रहे हैं इसको, अगर डोमेन का पासवर्ड हमें नहीं मालूम है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर का, सर्वर का नहीं मालूम, तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये काम कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है, क्योंकि पासवर्ड, सर्वर का पासवर्ड सबको थोड़ी मालूम रहेगा। ठीक है, यहां से हम ओके कर देंगे। देखिए ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो चुका है। नाउ यू कैन गो, ये रिस्टार्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन गो एंड चेक, एक क्लाइंट पीसी यहाँ पे कंप्यूटर लिस्ट में दिख रहा होगा हमें, ये देखिए क्लाइंट PC1। इसी प्रकार अगर हमारे पास और क्लाइंट पीसी हैं, दैट क्लाइंट पीसी आल्सो यू कैन ज्वाइन। चलो हम PC2 को ज्वाइन करा के देखते हैं। हो रहा पिंग, चलिए तो sysdm.cpl इनको भी ज्वाइन करते हैं। यहां पे क्लाइंट PC2 नाम दे देते हैं इसका और डोमेन का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे क्या है, learning.com। एडमिनिस्ट्रेटर ये भी ज्वाइन हो गया। ये भी ज्वाइन हो गया। अब हमें यहाँ पे एक कंप्यूटर नहीं, दो कंप्यूटर दिख रहे होंगे सर्वर में। रिफ्रेश करिए, ये रहा। मीन्स व्हाट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने क्लाइंट पीसी रहेंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। और अब ये दोनों कंप्यूटर इस डोमेन कंट्रोलर के अंडर में काम करेंगे, मतलब इनकी कंट्रोलिंग यहां से हम कर सकते हैं। तो क्या इस कंप्यूटर की कंट्रोलिंग कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि हमने इनको ज्वाइन नहीं किया। तो आप चाहते हैं दो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज करना, तो हमें क्या करना होता है, इनको ज्वाइन करना। इसी प्रकार काम होता है, जैसे कंपनी में मान लीजिए 1,000 अगर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो 1,000 कंप्यूटर रहेगा यहाँ पे, 1,000 कंप्यूटर रहेगा और ये सभी कंप्यूटर ज्वाइन रहेगा डोमेन से। अब क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कंपनी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, मान लीजिए अभी 10 क्लाइंट ज्वाइन हुए, 10 एम्प्लॉय ज्वाइन हुए इस कंपनी में आज, तो एडमिनिस्ट्रेटर को मेल जाएगा कि 10 एम्प्लॉय ने कंपनी में ज्वाइनिंग लिया है, आप इनके लिए user ID पासवर्ड क्रिएट कर दो। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा यहाँ पे वो क्या करेगा, एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर और पासवर्ड क्रिएट कर देगा और इनको मेल कर देगा, दे देगा कि भैया लो अपना। अब ये लोग किसी भी कंप्यूटर में, इट्स नॉट मैंडेटरी, ये किसी भी कंप्यूटर में लॉग इन कर सकते हैं और काम करेंगे। ठीक है, लॉग आउट करेंगे, इस कंप्यूटर में कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। तो इस तरह से काम होता क्लाइंट सर्वर में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो फिलहाल हमारे पास दो क्लाइंट PC यहाँ पे आ गए।
अब क्वेश्चन आता है लॉगिन क्या होगा। अब यहां जाके देखेंगे यहां पे क्या देगा, एडमिन है तो इस कंप्यूटर का है, इसको तो लॉगिन करना नहीं, हमें अदर यूजर में जाना है, यहां पे हमें लॉगिन करना है जो एम्प्लॉई ज्वाइनिंग लिए हैं। चलिए हमारे कंपनी में 5 एम्प्लॉई ने ज्वाइनिंग लिया। अब देखिए यहाँ पे यूजर ग्रुप के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं। बाय डिफॉल्ट ये एक यूजर है, यहाँ पे हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं, बट हम चाहते नहीं हम सेपरेटली कोई बना लें ओयू। तो ओयू हाउ टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, हाउ टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जिसे ओयू के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या ओयू बोलते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करना है डोमेन पे और न्यू पे जाना है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, जस्ट राइट द नेम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ICNT कॉलेज और ओके कर दूंगा। ये एक ऑर्गेनाइज जैसे ये सब था वैसे ये हमारा बन के आ गया, और इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा। आप इसमें यूजर ग्रुप क्रिएट करिए, तो हम यूजर क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक न्यू एंड यूजर यहां पे, और यहां पे नाम मैं दे देता हूं सोनिया, और लॉगिन भी इनका नाम रहेगा। नेक्स्ट पे जाएंगे और यहां से मैं क्या करूंगा, अच्छा ये कंपनी के अंदर जो रहेगा ना ये ऐसे ही रहेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर देगा चेंज द नेक्स्ट लॉगिन, तब वो ये अलाउ करेगा कि आप जाके चेंज कर लो अपने एंड से, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको चेंज करने के लिए पासवर्ड, ठीक है। तो फिलहाल मैं तो नहीं दे रहा हूं, और यहां पे क्या करना है, हम दे दे रहे हैं पासवर्ड, हो गया एक यूजर हमारा बन गया, एक और यूजर क्रिएट करते हैं। मोना, लॉगिन भी सेम दे रहे हैं, पासवर्ड गलत नहीं होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। पासवर्ड शुड बी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, ये सभी मिक्स करके रहना चाहिए। चलिए दो यूजर बनाया, एक और यूजर क्रिएट करते हैं। अच्छा नया सेम जैसे यूजर क्रिएट करना है, आप पीसी पे राइट क्लिक करके कॉपी करिए, तो दोबारा वो सारा क्रेडेंशियल नहीं मांगता है। या तो आगे दूसरा तरीका क्या है, यहाँ जाके न्यू में जाइए और यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं समीर, राइट। ऐसे ही मान लीजिए ये 3 एम्प्लॉई ज्वाइन किए कंपनी के अंदर, एक और बना लेते हैं, एक और हम क्रिएट कर लेते हैं, अंकित, राइट। तो 4 लोग ज्वाइन किए कंपनी को, नए एम्प्लॉई हैं, और हमारे पास क्या है, 4 लोग ज्वाइन किए, तो उनका एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, यहाँ पे यूजर और पासवर्ड क्रिएट कर दिया और मेल कर दिया। अब वो लोग आएंगे अपने इस कंप्यूटर पे, अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं अंकित इस कंप्यूटर पे बैठेंगे कि सोनिया इस कंप्यूटर बैठेंगे कि मोना इस कंप्यूटर, कोई किसी कंप्यूटर पे बैठ सकता है, लॉग इन कर सकता है, क्योंकि
इनका यूजर जो बना है सर्वर में बना है, डोमेन में बना है, यहाँ पे अगर 1,000 कंप्यूटर है किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकते हैं वो, ठीक है। और दूसरा चीज, एक कंप्यूटर पे मान लीजिए यहाँ पे समीर लॉगिन किए डे शिफ्ट में, डे शिफ्ट में सुबह से लेके शाम तक, फिर नाइट में मोना लॉगिन करनी है पे, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, मतलब ये यूजर आप जब चाहो किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकता है, ठीक है। ये सेंट्रलाइज यूजर है, ये इस कंप्यूटर का यूजर नहीं है, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, ये यूजर को हम क्लाइंट किसी एक यूजर को, चलिए मैं सोनिया को लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे क्लाइंट PC1, PC1 पे आएंगे। अब यहाँ पे एडमिन है जो लोकल यूजर इसका है, हमें लोकल यूजर लॉगिन नहीं करना है, हमें अदर यूजर पे जाना है। क्लिक करिए और यहाँ पे जब भी अदर यूजर पे करिए नीचे हमारा डोमेन का नाम आना चाहिए हमेशा, तब ठीक ठाक है। देखिए लर्निंग आ रहा है, मतलब ठीक है, आई एम पार्ट ऑफ डोमेन, राइट। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सोनिया, और पासवर्ड इनका दे देता हूं मैं, यहां से एंटर प्रेस करेंगे, देखिए लॉगिन हो गया, राइट। अब हम दूसरा यूजर दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं, यहां पे लॉगिन करते हैं, अदर यूजर पे जाएंगे, यहां पे लॉगिन करते हैं समीर को, ये देखिए ये भी लॉगिन हो गए, राइट। अब यहां ना, यहां देखिए यूजर वन में सोनिया का शिफ्ट खत्म हो गया डे का, अब नाइट शिफ्ट में मोना आ गई है, मोना को लॉगिन करना। अभी सोनिया का काम चल रहा है, सोनिया यूजर यहाँ पे है लॉगिन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे लॉग आउट करिए, कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करिए और स्विच यूजर पे क्लिक कर देना हमें। तो यहाँ सोनिया दिख रहा है, सोनिया का चल रहा है, तो हमें क्या करना है अदर यूजर पे क्लिक कर दीजिए, और क्या करना है यहाँ पे मोना दे देंगे, ये देखिए कोई यूजर कभी भी लॉगिन कर सकता है। सही डालना हमें, हमें यूजर का नाम सही डालना है, पासवर्ड सही डालना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये सब प्रॉब्लम आता है, लॉग आउट का प्रॉब्लम आएगा, लॉगिन का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, हमेशा कोशिश करिए लैब में नया मशीन बना के प्रैक्टिस करने के लिए, तो दिक्कत नहीं आएगी। और जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें क्लियरिटी आएगी। अब देखिए तो ये किसी में आप चेंज कर लीजिए, किसी यूजर को कभी भी लॉग इन कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे मतलब क्या है, ये जो यूजर बना हुआ है, ठीक है, अब किसी का पासवर्ड चेंज करना है, चलिए हम क्या करते हैं सोनिया का पासवर्ड चेंज करते हैं, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रहेगा रीसेट पासवर्ड, और यहाँ पे दे दीजिए, मैं दे देता हूँ एडमिन @1234 दे दिया मैंने, पहले 123 था, एडमिन @1234 दे दिया, रीसेट कर दिया, ओके डन, रीसेट डन है। अब सोनिया को लॉगिन करके मैं देखता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट स्विच यूजर, मोना लॉगिन है, सोनिया को लॉगिन करते हैं, यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दीजिए तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे पासवर्ड देते हैं ADMIN@1234, क्या लॉगिन होगी, नो रॉन्ग पासवर्ड, तो हमें सही पासवर्ड देना है ADMIN@1234, यस लॉगिन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सही से देंगे पासवर्ड, सही से देंगे यूजर नेम, सही प्रोसेस करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूजर को कर सकते हैं। ये चाहेगा यहां से रेस्ट्रिक्ट करना, सोनिया मैडम का टाइम जो है, राइट क्लिक करेगा, प्रॉपर्टी पे जाएगा और यहाँ पे अकाउंट में जाएगा, लॉग ऑन आवर मैं चेंज कर देता हूँ, चलिए
तो लॉग ऑन आवर जो है ना, चाहे इनका छुट्टी कर देते हैं, आज कौन सा दिन है, लॉग ऑन आवर टाइम करो या छुट्टी कर दो, आज है इंडिया में मंडे, ट्यूसडे हो, मंडे, यस मंडे, मंडे को छुट्टी इनका, तो यहां से हम क्या करेंगे, डिनाई कर देंगे, यहां से डिनाई कर देते हैं, ओके अप्लाई, ओके। अब सोनिया मंडे को लॉग इन नहीं कर सकती हैं कहीं भी, किसी भी कंप्यूटर में, नॉट ओनली दिस, किसी भी कंप्यूटर में, चलिए दोनों कंप्यूटर में करके दिखाता हूं मैं, यहाँ पे स्विच यूजर और सोनिया, मंडे है आज, याद रहे ADMIN@1234-5, यस, ओ अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ, एक मिनट, एक्टिवेट नहीं हुआ अभी क्या, सही है, हाँ अच्छा, परमिनेंट परमिटेड दे दिए थे ना, डिनाई करना है, ओके तो फिर से करते हैं स्विच यूजर, मंडे मंडे मंडे, यहाँ पे देख लेते हैं, हो सकता है गलत टाइम हो, तो ओ माय गॉड, ये संडे दिख रहा है यहाँ पे, है ना, टाइम जोन गड़बड़ है, संडे को दिख रहा है, मतलब ये है, इसको डिनाई करूं, इसको परमिटेड कर देते हैं, ठीक है, और ओके अप्लाई, ओके ठीक है। अब लॉग इन करके देखिए, आप यहाँ पे जाएंगे स्विच यूजर, अभी भी लॉग इन, क्या मसला है इसका, संडे डिनाई, अच्छा संडे, अच्छा ये टाइम याद रखा है, टाइम जो 12 AM to 1 AM, इतने बजे तक, अभी कुछ ये मैं 3 को लॉग इन कर देता हूँ, इसलिए डेट टाइम जब भी हम इंस्टॉल करें विंडो ना, तो टाइम जोन बड़ा जरूरी होता है, टाइम जोन अगर सेट नहीं रहेगा तो ऐसे ही दिक्कत आएगा आपको, यस ठीक है, देखिए रेस्ट्रिक्ट होगा, अब वो टाइम का प्रॉब्लम है, मैंने टाइम जब इंस्टॉल किया विंडो, टाइम जोन नहीं देखा, जल्दी जल्दी इंस्टॉल कर दिया, तो वो टाइम मिसमैच हो रहा है, ठीक है। अब ये सोनिया मैडम कहीं भी लॉग इन नहीं कर सकती है, शी कैनॉट लॉग इन एनी कंप्यूटर इन ऑर्गेनाइजेशन, मंडे को किसी भी कंप्यूटर में लॉग इन नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लॉग इन नहीं, यहाँ पे भी लॉग इन नहीं कर सकती, देखिए यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ, यहाँ भी लॉग इन नहीं कर सकते, ठीक है, तो अगर हम इसको अलाउ कर दें फिर से जाके, एक्टिवेट अकाउंट, लॉग ऑन आवर और सबको अलाउ कर दीजिए, परमिटेड परमिटेड डन, एंड अब ये यूजर लॉग इन हो जाएगा, कहीं पे भी लॉग इन हो जाएगा, यहाँ पे जाइए, ओ पासवर्ड मैंने गलत डाला, यस राइट, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, मतलब क्या है, क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, जो भी यूजर यहाँ पे है वो किसी भी कंप्यूटर में लॉग इन कर सकते हैं, अब इनकी कंट्रोलिंग हम यहां से बैठ के कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया, यूजर को मैंने क्या किया,
रेस्ट्रिक्ट कर दिया मंडे को, तो मंडे को किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार आप टाइम से रेस्ट्रिक्ट कर सकते कि 10 बजे से 11 बजे, 4 बजे तक, शाम को 4 बजे के बाद ही लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये सारा हम कुछ सर्वर्स में करेंगे, ऐसे बहुत सारी पॉलिसी रहेगा जिसको हम ग्रुप पॉलिसी में करेंगे ये चीजें। तो सर्वर क्लाइंट का आर्किटेक्चर पहले तो आपको इनिशियली इतना सीखना है कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना, क्लाइंट पीसी को ज्वाइन करना एंड यूजर क्रिएट करना, यूजर को लॉगिन करना, ये बार बार करना है, अनइंस्टॉल करना एक्टिव डायरेक्टरी को, इसको डिसज्वाइन करना, ये सारी चीजें इतना करनी है।